हेलो एवरीवन, आई एम भावना एंड यू आर वाचिंग भावना एजुकेशन डायरी। इस वीडियो में हम मॉक टेस्ट सीरीज़ के 5th मॉड्यूल को डिस्कस करेंगे, जिसमें लॉ ऑफ टॉट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा। और आप पहले अपना स्कोर चेक कीजिएगा, अपना आंसर मार्क कीजिएगा, देन जो मैं आंसर बताऊँगी उसको देखिएगा। सो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन इज टॉटम इज अ, टॉटम जो वर्ड है ये कौन सी लैंग्वेज का है, कौन सी लैंग्वेज से आया है। तो टॉटम बेसिकली टॉट है, जिसका मतलब होता है ट्विस्ट। तो ये आया है लेटिन वर्ड से। नेक्स्ट है टॉट इज अ सिविल रॉन्ग एज अपोज्ड बाय, जो टॉट एक सिविल रॉन्ग होता है, अदर देन अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड अदर देन अ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, तो ये किसके अपोज्ड होता है। ऑप्शन ए कमर्शियल लॉ, ऑप्शन बी कंपनी लॉ, ऑप्शन सी सिविल प्रोसीजर लॉ, ऑप्शन डी क्रिमिनल लॉ। तो जो टॉट है वो क्रिमिनल लॉ के अपोज्ड में होता है। ऑप्शन थ्री द टर्म उबीजस इबी रेमेडियम मीन्स, इसका क्या मतलब होता है। तो इसका मतलब होता है ऑप्शन ए व्हाट इज रॉन्ग कि जो रॉन्ग है वो रॉन्ग है। ऑप्शन बी वन हु कमिट्स ऑफेंस शुड नॉट प्रोटेक्टेड। ऑप्शन सी वेयर दिस इज वेयर देयर इज राइट, ये देयर है, वेयर देयर इज राइट देयर इज रेमेडी। ऑप्शन डी नन। तो इसका करेक्ट आंसर बताने से पहले, इस क्वेश्चन में इस वीडियो में हम 25 टॉट के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको टॉट ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा। और इसके अलावा आपको टॉट के लीगल प्रिंसिपल्स को सॉल्व करने में बहुत हेल्प मिलेगी। और जब आप लीगल प्रिंसिपल्स को सॉल्व करेंगे तो इसके अलावा बस आपको उन्हें सॉल्व करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लीगल और कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी वेयर देयर इज राइट देयर इज रेमेडी, क्योंकि बिना रेमेडी के कोई भी जो राइट होता है वो यूजलेस होता है, मीनिंगलेस होता है। ऑप्शन फोर जनरल कंडीशंस ऑफ टॉर्शियस लाइबिलिटी इज, टॉर्शियस लाइबिलिटी में कुछ कंडीशंस यानी क्या ऐसी चीज़ें होनी चाहिए उसके लिए ज़रूरी। ऑप्शन ए रॉन्गफुल एक्ट, ऑप्शन बी एक्ट कॉजिंग लीगल डैमेज, ऑप्शन सी इट गिव्स राइट एट राइट ऑफ लीगल रेमेडीज, ऑप्शन डी ऑल द एबव। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी ऑल द एबव। तो टॉर्शियस लाइबिलिटी में एक रॉन्गफुल एक्ट होना ज़रूरी है, एक्ट कॉजिंग लीगल डैमेज, लीगल डैमेज होना भी बहुत ज़रूरी है, और उसके रिलीफ में आपको लीगल जो रेमेडी है वो भी मिलती है। तो इसीलिए ये तीनों चीज़ें जो है वो होनी बहुत ज़रूरी है टॉर्शियस लाइबिलिटी में, और हेंस द ऑप्शन डी इज करेक्ट। इन टॉट देयर इज क्लेम फोर, टॉट में जो क्लेम होते हैं वो कैसे मिलते हैं, वो होते हैं अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, क्योंकि टॉट में आपको जो रेमेडी है वो लीगल इंजरी, जो लीगल राइट की इंजरी होती है उसके बिहाफ पे मिलते हैं। तो यहाँ पे डैमेजेस को जो है बिल्कुल भी सर्टेन या उस तरीके से स्पेसिफाई नहीं किया जा सकता, इसीलिए यहाँ पे अनलिक्विडेटेड डैमेजेस हैं। जबकि अगर हम कॉन्ट्रैक्ट को देखते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट में जो ये डैमेजेस हैं ये लिक्विडेटेड डैमेजेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंजीरियस एंड डैमनम, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कई बार रिपीट होता है, इंजीरियस एंड डैमनम और डैमनम साइन इंजीरिया। तो इनका जो मतलब है, इसका मतलब इंजीरियस एंड डैमनम का, ऑप्शन ए कॉजिंग एक्सीडेंट, ऑप्शन बी इंजरी विदाउट डैमेज, ऑप्शन डी डैमेज विदाउट इंजरी, ऑप्शन डी नन। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी इंजरी विदाउट डैमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉलेंटी नॉन फिट इंजीरिया मीन्स, वॉलेंटी नॉन फिट इंजीरिया का मतलब क्या है। ऑप्शन ए इट कॉन्स्टिट्यूट्स इलीगल इंजरी, ऑप्शन बी इट इज़ एक्शनेबल,
ऑप्शन सी हार्म सफर्ड वॉलंटियरली, ऑप्शन डी इट इज़ नॉट फ्री फ्रॉम नॉलेज. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी कि जब आपको कोई भी नुकसान होता है वो आपकी आपका वॉलंटियरली होता है, जिस चीज़ की आप परमिशन देते हो वो आपको हार्म जो है वो मिलता है, जिसके लिए आप जो है वो डिफेंडेंट पे क्लेम जो जिसके लिए आप क्लेम नहीं कर सकते. और यहाँ पे ये जो वॉलंटियर नॉनफिट इंजीरिया होता है ये हमेशा डिफेंडेंट के फेवर में होता है. क्वेश्चन 8, द डिफेंस ऑफ वॉलंटियर नॉनफिट इंजीरिया इज अवेलेबल इन. तो ये किन किन केसेस में जो डिफेंस अवेलेबल होता है वॉलंटियर नॉनफिट इंजीरिया का डिफेंस. ऑप्शन ए रेस्क्यू केसेस, ऑप्शन बी मिस्टेक, ऑप्शन सी एक्ट ऑफ गॉड, ऑप्शन डी ऑल द एबव. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, क्योंकि रेस्क्यू केस जो होते हैं वो उसका एक्सेप्शन होता है, क्योंकि इसमें आप अपनी जो है मर्जी से क्या करते हो, यहाँ पे किसी की हेल्प करते हो या कुछ भी करते हो, आप खुद को हार्म जो है वो आपकी मर्जी से आपको हार्म होता है जब आपकी मिस्टेक है, एक्ट ऑफ गॉड है. नेक्स्ट क्वेश्चन 9, एक्स टूर्पे कॉजा ऑरिटर नोन एक्ट्यूमिन्स. इसका मतलब क्या होता है? ये जो लीगल मैक्सिम्स होते हैं ये हमेशा बहुत पूछे जाते हैं और इसमें से कुछ क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं हर ईयर. सो फर्स्ट ऑप्शन इज एक्शन अराइजेज इफ द एक्ट इज़ अनलॉफुल, नो एक्शन अराइजेज इफ द एक्ट इज़ अनलॉफुल, ऑप्शन सी एक्शन अराइजेज इफ नॉन इन्वॉल्व डायरेक्टली, नॉट इन्वॉल्व डायरेक्टली, ऑप्शन डी एक्शन अराइजेज इफ इन्वॉल्व इनडायरेक्टली. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. क्वेश्चन 10, एक्ट ऑफ गॉड. एक्ट ऑफ गॉड क्या है? एक्शनेबल क्लेम है या एक गुड डिफेंस है, बोथ एंड नन. सो क्वेश्चन ऑप्शन बी इज करेक्ट, अ गुड डिफेंस. क्वेश्चन ए, अ मास्टर इज वाइकेरियस लाइबल फोर. एक जो मास्टर है वाइकेरियस लाइबल लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जब एक जो पर्सन है वो दूसरे के एक्ट के लिए लाइबल होता है इस पर्सन के साथ ही, तो ये होता है वाइकेरियस लाइबिलिटी. तो ये जो है यहाँ पे मास्टर जो है वो किसके लिए लाइबल होता है? ऑप्शन ए एजेंट, ऑप्शन बी सर्वेंट, ऑप्शन सी पार्टनर, ऑप्शन डी ए एंड सी बोथ. तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी मास्टर एंड सर्वेंट. क्वेश्चन 12, क्विड फैसिट पर एनम फैसिट पर से मींस. इसका क्या, ये भी एक लीगल मैक्सिम है, इसका क्या मतलब होता है? टू एक्ट इंडिपेंडेंटली, ऑप्शन बी ही हु एक्ट थ्रू अनदर एक्ट फॉर हिमसेल्फ, ऑप्शन सी लेट द प्रिंसिपल बी रिस्पॉन्सिबल, ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. ये वीडियो आपको पूरी एंड तक देखनी है क्योंकि इसमें सारे ही टॉट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया है और कुछ भी आपको स्किप नहीं करना है क्योंकि ये लॉ एंट्रेंस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिस्पोंडेंट सुपीरियर का मीनिंग क्या होता है? ऑप्शन ए लेट द एजेंट बी रिस्पॉन्सिबल, ऑप्शन बी लेट द प्रिंसिपल बी रिस्पॉन्सिबल, ऑप्शन सी लेट द पुलिस बी रिस्पॉन्सिबल, ऑप्शन डी लेट द पार्टनर बी रिस्पॉन्सिबल. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. नेक्स्ट द स्टेट कैन बी स्यूड एंड बी स्यू इन इट्स ऑन नेम, दिस हैज़ बीन लेड डाउन इन. जो स्टेट है स्टेट के नाम पे वो सू भी हो सकता है और स्यूड भी. तो ये जो है कौन से सेक्शन में, कौन से आर्टिकल में दिया है? ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 300 में गिवन है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट फंक्शंस कंसिस्ट ऑफ. स्टेट के जो फंक्शंस होते हैं वो सॉवरिन फंक्शंस होते हैं, ऑप्शन बी नॉन सॉवरिन फंक्शंस होते हैं, ऑप्शन सी जो है बोथ ए एंड बी होते हैं, एंड ऑप्शन डी नन.
तो यहाँ पे जो स्टेट कंसिस्ट ऑफ सॉवरीन एंड नॉन सॉवरीन फंक्शंस. देयर इज नो लाइबिलिटी ऑन द पार्ट ऑफ स्टेट वाइल इट इज परफॉर्मिंग, कि यहाँ पर स्टेट की जो है कोई लाइबिलिटी नहीं बनती है. देयर इज नो लाइबिलिटी ऑन द पार्ट ऑफ द स्टेट वाइल सॉवरीन फंक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन 17. लाइबल इज अ डिफेमेशन, विच इज लाइबल जो है एक डिफेमेशन है. डिफेमेशन में जो है टू काइंड्स से हम देखते हैं, लाइबल और स्लैंडर. तो यहाँ पे जो लाइबल है वो किस तरह का जो है वो डिफेमेशन है. ऑप्शन ए परमानेंट, ऑप्शन बी टेम्परेरी नेचर, ऑप्शन सी क्रिमिनल नेचर और ऑप्शन डी ए एंड बी. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. जो लाइबल होते हैं वो परमानेंट नेचर का होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफेमेशन इज एन ऑफेंस अंडर. डिफेमेशन जो है वो आईपीसी के कौन से सेक्शन में गिवन है. तो ये है ऑप्शन सी कि 499 आईपीसी सेक्शन में ये गिवन है. नेक्स्ट क्वेश्चन प्रिविलेज इज अ डिफेंस विच कैन बी ऑफ. प्रिविलेज जो है वो किस टाइप का डिफेंस हो सकती है. ऑप्शन ए एब्सोल्यूट नेचर, ऑप्शन बी क्वालिफाइड नेचर, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी नन. तो करेक्ट ऑप्शन इज प्रिविलेज दोनों टाइप के नेचर का हो सकता है. हेंस द ऑप्शन इज सी करेक्ट, एब्सोल्यूट नेचर एंड क्वालिफाइड नेचर. नेक्स्ट न्यूसेंस मींस, न्यूसेंस जो है वो ऑप्शन ए पब्लिक न्यूसेंस होती है, ऑप्शन बी प्राइवेट न्यूसेंस होती है, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी नन. तो जो न्यूसेंस है वो पब्लिक भी होती है प्राइवेट भी होती है. हेंस द ऑप्शन सी इज करेक्ट, इट कंटेन्स बोथ ए एंड बी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्राइवेट न्यूसेंस इज अ. प्राइवेट न्यूसेंस में क्या होता है कि वो क्रिमिनल लाइबिलिटी होती है या टॉर्शियस लाइबिलिटी होती है या मोरल लाइबिलिटी होती है या ऑल ऑफ द अबव होती है. तो प्राइवेट जो न्यूसेंस होता है सबसे पहले तो मोरल लाइबिलिटी नहीं होती है. जब मोरल लाइबिलिटी नहीं है तो ऑल ऑफ द अबव का ऑप्शन भी कट हो जाता है. और प्राइवेट न्यूसेंस में क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं बनती, हेंस द ऑप्शन बी इज करेक्ट, टॉर्शियस लाइबिलिटी. क्वेश्चन 22. रेस इप्सा लॉक्यूटर मीन्स, इसका क्या मतलब होता है. ये अगेन एक लीगल मैक्सिम है. तो रेस इप्सा लॉक्यूटर का मतलब क्या है. ऑप्शन ए थिंग्स नेवर स्पीक्स फॉर इट्सेल्फ, ऑप्शन बी थिंग्स स्पीक्स बाय इट्सेल्फ, ऑप्शन सी बोथ और ऑप्शन डी नन. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. जब कोई ऐसा इंसिडेंस होता है जिसमें आपको कुछ भी प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं होती है, जो चीज़ें खुद अपने आप में एक एविडेंस के तौर पर दिखाई देती हैं, ऐसी कंडीशन को इसको कहते हैं थिंग्स स्पीक बाय इट्सेल्फ. और इसका लीगल मैक्सिम है रेस इप्सा लॉक्यूटर, जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है. नेक्स्ट है रूल ऑफ लॉ. रूल ऑफ लॉ क्या है. सबऑर्डिनेट ऑफ लॉ, पुलिस लॉ, मार्शल लॉ, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ. ऑप्शन डी इज करेक्ट, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ. नेक्स्ट न्यूसेंस मीन्स इंटरफेयरिंग विथ अ पर्सन. न्यूसेंस जो है वो किसी पर्सन की किस चीज़ में इंटरफेयर करता है. ऑप्शन ए कम्फर्ट, ऑप्शन बी हेल्थ, ऑप्शन सी सेफ्टी, ऑप्शन डी ऑल द अबव. सो करेक्ट ऑप्शन इज जो न्यूसेंस होता है वो किसी पर्सन के कंफर्ट जोन को भी इफेक्ट करता है, हेल्थ को भी इफेक्ट करता है, इंटरफेयर करता है और सेफ्टी को भी. सो हेंस द ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल द अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बर्डन ऑफ प्रूविंग गिल्टी इंटेंशंस. इंटेंशंस लाइज, जो इंटेंशन में यहाँ पे बर्डन ये बर्डन किसके ऊपर होता है इंटेंशन को प्रूफ करने का, वो जो है वो प्रोसिक्यूशन के ऊपर होता है. ऑलवेज प्रोसिक्यूशन के ऊपर होता है. और एक सक्सेसफुल प्रोसिक्यूशन, एक सक्सेसफुल जो होता है वो होता है तब जब उस जो यहाँ पे अक्यूज्ड होता है, अक्यूज जब गिल्टी प्रूफ हो जाता है तो यहाँ पे वो सक्सेसफुल प्रोसिक्यूशन होता है.
और अगर 1% ऐसे चांस होते हैं कि जहाँ पे अक्यूज्ड को अगर प्ली मिल सकती है या अगर डाउट ऐसा होता है कि अक्यूज्ड गिल्टी नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में जो सारा फ़ायदा होता है, सारा बेनिफिट वो अक्यूज्ड के फेवर में जाता है. सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड कीप वॉचिंग अवर मॉड्यूल्स, बिकॉज ये मॉड्यूल आपकी प्रिपरेशन को टेस्ट करने में बहुत हेल्प करेंगे और आपको कैसे कहाँ इम्प्रूव करना है आप उसको जज कर पाओगे. मॉक जो मॉक्स होते हैं ये मैंने सेक्शनल मॉक्स बनाए हैं ताकि आप हर सेक्शन को कवर करो और कोई भी सेक्शन छूट ना पाए, क्योंकि जिस तरह से NTA पेपर कंडक्ट करा रहा है तो कुछ नहीं कह सकते कि किसका पोर्शन कितना ज़्यादा आएगा, इसलिए आपको सब तैयार करना है. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग आवर वीडियोज़.